किसने किया पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का नंबर वायरल। जी हाँ दोस्तों, पूरा खबर लेकर आई हूँ, पूरा वीडियो देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आप सब भी जान के चौंक गए होंगे कि आखिर किसने किया है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का नंबर वायरल। इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरी तरह से खलबली मची हुई है, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, फिर ऐसी खबर आना हमें झकझोर के रख देता है। लेकिन आपको बता दूँ कि इसका किसी पर भी दोष लगाना बिल्कुल ही गलत होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखिएगा। चलिए आपको खबर बताती हूँ। आप सभी को पता है कि ज्योति सिंह का अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो गए हैं 7,77,000। जी हाँ दोस्तों, 7,77,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं और ज्योति सिंह इससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। लेकिन ज्योति सिंह से एक हो चुकी है बहुत बड़ी गलती। जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह से हो गई है एक बहुत बड़ी चूक, और वो चूक है कि ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे अपना नंबर पब्लिक कर दिया है, जिससे उनका नंबर सभी के पास जा सकता है। तो अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं होता है तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हैं कि अभी भी ज्योति सिंह का नंबर फ्लैश हो रहा है। तो यह अगर पवन सिंह के फैंस के लिए तो बहुत झकझोर देने वाली। आखिर ज्योति सिंह ने ऐसा क्यों किया, आखिर उनके ऐसा करने के पीछे क्या मकसद है? क्या ज्योति सिंह सबको अपना नंबर देना चाहती थी या गलती से हो गया, यह तो हमें नहीं पता है। बस आपसे यही कहूँगी कि अगर मेरे बात पर विश्वास नहीं होता है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, अभी भी ज्योति सिंह का नंबर उसी तरह से फ्लैश हो रहा है कॉलिंग में। तो बस यही कहूँगी कि अगर गलती हो गई है तो आप गलती सुधारें, क्योंकि इस समय जो भोजपुरी इंडस्ट्री की हालत है वह काफ़ी गलत है, और इस समय गाली गलौज और इन सबसे दूर ही रहना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब।